लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज नई मुंबई के सानपाड़ा मिलेनियम टावर्स में मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, आईटी सेल के हेड सतीश निकम खासतौर पर मौजूद रहे। इस आरोग्य शिविर का आयोजन उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय और जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ जगताप के सौजन्य से किया गया था, जहां सैकड़ों नागरिकों ने मुफ्त आरोग्य सेवाओं का लाभ उठाया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज बीजेपी उत्तर भारतीय सेल के नेतृत्व में मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। सानपाड़ा के मिलेनियम टावर में आयोजित इस मुफ्त आरोग्य शिविर में सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने लाभ उठाया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, आईटी सेल के हेड सतीश निकम, जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ जगताप एवं बीजेपी उत्तर प्रदेश सेल के जिलाध्यक्ष मार्कंडे केवट समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय ने मनपा हॉस्पिटल में मरीजों को फल और खाद्य सामग्री का भी वितरण किया। उन्होंने इन जनसेवी कार्यों को अपने प्रधानमंत्री को समर्पित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए दिन रात काम करते आ रहे हैं, इसलिए यह सेवा सप्ताह उन्हें शुभकामना देने की एक कोशिश है। उन्होंने पीएम के कार्यों का गुणगान करते हुए उन्हें जन्मदिन की भी बधाइयां दी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर भारतीय मोर्चा नई मुंबई और भाजपा उपाध्यक्ष आभा जगताप मिलकर ये मेडिकल कैंप का आयोजन किए हैं। साथ ही साथ हम लोग मतलब कि जो हमें प्रदेश से संदेश आया है कि सेवा समर्पित सप्ताह मनाना है, एनएमसी हॉस्पिटल में बच्चों को, महिलाओं को फल वितरण करें, जिससे उनको भी थोड़ा सा एक खुशी मिले और ये संदेश पूरा जाए कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो उनका नारा है, ये सफल हो, सभी को हर एक सुविधा मिले। वहीं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ जगताप और उत्तर प्रदेश सेल के जिला संयोजक मार्कंडे केवट ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए आरोग्य शिविर को सच्ची सौगात बताया। या आरोग्य शिविर मध्ये सर्व प्रकारचे रक्त आम्ही चेक करतो, सर्व प्रकारचे आम्ही आरोग्य इथे लोकांचे चेक करतो। आतापर्यंत 150 लोकांच्यावर आम्ही इथे आरोग्य शिबिरामध्ये लोकांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि इथून पुढे असेच आम्ही इथे 7-10 दिवस कार्यक्रम घेत राहू अशी आणि नरेंद्रभाई मोदीला आम्ही इथून सर्व 79 वार्डतर्फे, सानपाडा वार्डतर्फे आम्ही शुभेच्छा देत आहे। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे आरोग्य शिविर रखा गया है और ये कार्यक्रम 9-10 दिन तक चलेगा। मैं यही चाहूँगा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भारतीय जनता पार्टी का नाम गर्व से ऊंचा करें। यहाँ तमाम नागरिकों ने भी आरोग्य शिविर को लाभकारी बताते हुए जहाँ पीएम को शुभकामना दी, वहीं आयोजकों के प्रति आभार भी जताया। हिलिंगो फाउंडेशन हालचल ऐप के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, जहाँ पे करीबन 150 लोग आज लाभान्वित हुए हैं और इसको हम एक ट्रिब्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करके हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारा प्रेम उनके साथ दर्शाना कर चाह रहे हैं और साझा करना चाह रहे हैं। एनएमएमसी हॉस्पिटल में हमने जो फल वितरण का कार्य किया है, सारी महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, सभी को फल वितरण का कार्य किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको खूब खूब सबसे आशीर्वाद मिले और इसी तरह से हमारी जो टीम है वो आगे बढ़ के और अच्छे से काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।